स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को DLED चतुर्थ सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र यानी कि गणित सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूं, वो भी आसान भाषा में। आइए आप सभी लोग जुड़िए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए जो पवन सीरीज है उस पवन सीरीज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो आइए आप लोग जुड़िए, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इस सब्जेक्ट को पढ़कर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है 343/1000 का हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए, जैसा कि हम लोगों को पता है, घनमूल निकालने के लिए हमें तीन तीन का जोड़ा बनाना होता है। यानी कि यहाँ पर दिया गया है 343/1000, तो हम लोग 343 का क्या करेंगे, तीन जोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे जिससे ये कटेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं 343 सात से कट जाएगा, तो सात से काटेंगे, फिर सात से काटेंगे, फिर सात से, यानी कि 7 × 49 = 343। और 1000 का तीन जोड़ा बनाएंगे तो 10 × 10 × 10, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/10। तो यानी कि ये क्या हो गया, 0.7। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता चल गया होगा, यानी कि पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ऑप्शन ब। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, तीन सिक्के को एक साथ उछालने पर संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी। तो दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। तो तीन सिक्के अगर हम लोग एक साथ उछालेंगे तो संभव परिणाम 8 बनते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही सही है, जबकि यहाँ पर आंसर में 10 दिया गया है दोस्तों, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अगर हम बात करें कि अगर तीन सिक्के को एक साथ उछालें तो जो संभव परिणाम बनेंगे, या तो हेड 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 एक तो ये बनेंगे, दूसरा जो बनेगा हेड हेड टेल बन सकता है, हेड हेड और टेल बन सकता है। अगर तीसरे की बात करूँ तो हेड टेल हेड बन सकता है। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करूँ अगला कंडीशन क्या बन सकता है, हेड टेल टेल बन सकता है, हेड टेल टेल बन सकता है। आगे के अगर हम लोग बात करें तो क्या बन सकता है, टेल हेड हेड बन सकता है। उसके बाद क्या बन सकता है, टेल हेड टेल बन सकता है। उसके बाद टेल टेल हेड बन सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करूं तो टेल 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 बन सकता है, यानी कि अगर हम लोग अब गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 ही संभव परिणाम बन सकते हैं दोस्तों, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उससे सही होगा, न कि 10, जबकि पवन सीरीज में 10 दिया गया है जो कि पूरी तरीके से गलत है। यानी कि कितने संभव परिणाम बन सकते हैं, 8 बन सकते हैं दोस्तों, आसानी से आप लोग समझ सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो दोस्तों क्या लिखा गया है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सभी लोग जानते हो कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर हम लोग बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्या क्षेत्रफल होता है, पाई, एक बार दोस्तों पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो हमें पता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात करूं तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर जो त्रिज्या दिया गया वो कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 3.5 का स्क्वायर। इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग, 1/2 पाई का मान जैसा कि हमें पता है क्या होता है दोस्तों, 22/7। 3.5 को हम लोग लिख सकते हैं 35/10 × 35/10। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा ये देखते हैं। 2 को हम लोग काटते हैं 22 से, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 11, और 7 को काटते तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और यहाँ पे हम लोग 5 को काटते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा।
और फिर 10 को हम लोग 5 से काटते हैं तो 2 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों, 7 बचे 35। तो अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करें तो क्या बचा, 11 और 7 बटे 4, यानी कि हमें क्या मिला, 77 बटे 4। अब 77 बटे 4 को हम लोग भाग करते हैं 77 भागे 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 के 4 3 बचा, तो यहाँ हो गया 7 उतर आएगा 37 हो जाएगा, और 4 9 36 होता है, तो यहाँ पे क्या मिला अपने को, 1 मिला। अब यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा देंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 0, तो 4 2 8 होता है, हासिल बचा 2, और दशमलव लगाएं तो 1 0 और मिल जाएगा, तो 4 5 20, यानी कि हमें मिल रहा 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पर दोस्तों बीच में दशमलव लगा है, स्कैन किए हैं तो मिट गया है, तो यानी कि जो क्वेश्चन 3 है उसमें क्या होगा, 19.25 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन में बस हमें फार्मूला याद रखना है दोस्तों, जैसे वृत्त का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो बस यही याद रखना, ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक बार दोस्तों रफ कर देते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे त्रिकोणमिति से पूछा गया है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया tan 60/sec 90, यानी कि sec 90° का मान कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हम लोग इसको देखते हैं, चौथे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है दोस्तों, हम लोग इसको देखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हमें एक टेबल याद रखना होता है। टेबल मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये टेबल याद रखना, ऐसे क्वेश्चन कोई भी आएगा तो हम लोग चुटकियों में हल कर लेंगे। टेबल हम यहाँ पे बना देते हैं छोटा सा, तो आप लोग याद रखना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोण, यानी कि 0° हो सकता है, या क्या हो सकता है, 30° का कोण बन सकता है, 45 का बन सकता है, और 60 का बन सकता है, और क्या बन सकता है, 90 का भी बन सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन, और क्या होता है, कॉस होता है, और क्या होता है, टेन होता है। इन सब के लिए अलग अलग मान होता है दोस्तों, इन मान को हम लिख देते हैं यहाँ पे। अगर हमसे पूछा जाए साइन 0 का मान कितना होता है, तो हम बताएंगे 0। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। और साइन 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। इसी प्रकार अगर कास का याद रखना तो हम लोग उल्टा लिख देते हैं, कास 0 का मान 1, कास 30 का मान क्या होता है, वो यहाँ पर 60 का मान दोस्तों होता है √3/2, ये याद रखना है, यहाँ पे गलती हो गया, 60 का मान होता है √2। तो यहाँ पे हम लोग अगर 30 की बात करूंगा, कास 30 का हो जाएगा √3/2, cos 45 का सेम होता है 1/√2, और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। टैन का याद रखने के लिए tan 0 का मान होता है 0, tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान क्या होता है दोस्तों, √3 होता है, और tan 90 को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इसका मान क्या होता है, इनफाइनाइट। तो यही मान याद रखना है, तो ये क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो tan 60 का मान क्या होता है दोस्तों, √3, और sec 90 को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos 90। तो इसको अगर सॉल्व करें तो लिख सकता हूँ √3 cos 90°, और cos 90° का मान हमें पता है क्या होता है, 0, यानी कि √3 × 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग आसानी से समझते हैं।
दिया गया है 7, 6, 2, 5 और 9 की माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन माध्यिका का आ जाए दोस्तों, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी आंकड़े दिए होते हैं उनको हम लोग क्या लिखते हैं, या तो आरोही या तो अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, एक आंकड़ा दिया गया है 7, 6, 2, 5 और 9। तो इसको सबसे पहले हम लोग या तो अवरोही क्रम में लिखेंगे या आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो अवरोही में सबसे बड़ा सबसे पहले लिखते हैं 9, उसके बाद लिखेंगे 7, उसके बाद लिखेंगे 6, उसके बाद लिखेंगे 5, उसके बाद लिखेंगे 2। अब यहाँ पर देखेंगे जो मध्य में मिलेगा वही क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो यानी कि इसकी माध्यिका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है 1809025 के वर्गमूल, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। यानी कि हमें दिया गया है 1,80,000, सॉरी इसको पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10, यानी कि 18,09,025। तो इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग जानते हैं दोस्तों, आसानी से हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकाला जाता है हमेशा। तो यहाँ पर हम लोग इसको अगर निकालना होगा तो किस तरीके से निकालेंगे, हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे 1,800,18,09,025 इसको पढ़ेंगे दोस्तों। इसको सबसे पहले हम लोग अगर काटना चाहें तो 5 से कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 3 बचा 5, 36 हो जाएगा, 5 1 के 5 तो 4 हासिल आएगा। तो ये 5 8 40 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग इसको काटें तो ये 5 36 18 05 आ गया। फिर 5 से कट जाएगा, ये 5 7 35 हो जाएगा दोस्तों। 1 बचा 5 2 10, 1 बचा 5 3 15, 3 5 36। अब ये हमें देखना है 72 361 किससे कटेगा। तो हमें ये पता करना है सबसे पहले कि 72, और अगर हम लोग इसको देखें तो 3 की विभाज्यता का नियम भी नहीं इसमें लागू हो रहा है, 4 5, यानी कि यहाँ पर टफ थोड़ा सा लगता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर 72,361 किससे कटेगा, ये जो जनरली कटेगा अगर हम लोग बात करें 269 से कटेगा, 269। इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो 269 से काटेंगे तो यहाँ पे भी 269 आएगा। फिर 269 से एक बार फिर कट जाएगा। यानी कि अगर इसके वर्गमूल की बात करूँ तो वर्गमूल में दो दो का जोड़ा बनाते, तो यानी कि 5 और 5 2 जोड़ा हो गया, 269 269, ये भी 2 हो गया। तो यानी कि 5 गुणे 269 ये हो जाएगा 5 9 45 की 5, हासिल लगा 4, और 5 6 30 4 34, 5 2 10 और 3 13, यानी कि 1,345। 18,09,025 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 1,345 होगा। और 1,345 में कितने संख्या है, अंकों की संख्या 1 2 3 4, यानी कि 4 अंक दिए गए हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन स सही होगा। तो ऐसे दोस्तों आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको जहां ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, तो हम आसानी से आपको बता देंगे। तो अगला क्वेश्चन जो अपने को दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो दोनों सिक्कों के पट के ऊपर पड़ने की संभावना कितना होगी। हमें पता है दोस्तों, अगर दो सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो जो संभव परिणाम हमें मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, 4 मिलते हैं। तो अगर संभव परिणाम 4 मिल रहे हैं तो अगर उसकी प्रायिकता निकालना होगा, प्रायिकता को हम लोग संभावना भी बोलते हैं दोस्तों, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा।
यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, हमसे साफ साफ पूछा गया है कि दो सिक्कों को हम क्या करते हैं, एक साथ उछाल रहे हैं, तो दोनों सिक्कों के पट के ऊपर पड़ने की संभावना क्या होगा? चार, देखिए चार संभावना हो सकता है, तो चार संभावना यानी कि घटना के घटित होने की जो संभावना अपने पास है चार है, तो यानी कि जो इसकी प्रायिकता होगी वो कितना होगा, 1/4 होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, ऑप्शन अ सही होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, केवल देखने में बड़ा सा लग रहा है। लंब वृत्तीय बेलन तथा लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात हमें पूछा है, तो सबसे पहले हमें इसमें पता होना चाहिए फार्मूला, तो मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ। जैसे अगर बात करूँ लंब वृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन ये हमें पता होता है 1/3, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये पता है। और यहाँ क्वेश्चन पे साफ साफ दिया गया जो बेलन है और लंब वृत्ति शंकु जो है उनके आधार और त्रिज्या क्या है, बराबर है, यानी कि जो लंब वृत्ति बेलन का आधार है, आधार यानी कि आधार की त्रिज्या, यानी कि जो लंब वृत्ति बेलन की त्रिज्या है वही क्या होगा, लंब वृत्ति शंकु की भी त्रिज्या होगी, और जो ऊंचाई लंब वृत्ति बेलन की है वही लंब वृत्ति शंकु का भी होगा, तो यानी कि इसको हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच से कट जाएगा, यानी कि बचा क्या 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे बात करूँ तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका ऑप्शन क्या होगा, बस सही होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, 2021 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, साइन स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 30 अंश का मान पूछा गया। अभी मैं आप लोगों को जस्ट टेबल बताया था, अगर बात करूं तो साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/2, और प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 3/4, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4 होता है, तो 2 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 बार मिला, तो यानी कि 2+3 यानी कि क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। यानी कि जो इस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन सही होगा 5/4, यानी कि ऑप्शन स सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 50% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, तो हमें पता है वर्ग में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, दोनों बराबर होता है। यानी कि अगर हम लोग वर्ग की बात कर रहे हैं तो वर्ग में जो होगा लंबाई बराबर होगा चौड़ाई, और इसको मैं मान लेता हूँ लंबाई और चौड़ाई किसके बराबर है, यक्स मान लेता हूँ लंबाई और चौड़ाई को, तो लंबाई और चौड़ाई क्या है, यक्स है, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता भुजा का स्क्वायर, तो यानी कि यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है अगर हम लोग क्या करें, लंबाई और चौड़ाई दोनों में 50% की वृद्धि कर दे, तो यानी कि 50% की वृद्धि क्या होगा, यक्स का 50% x/2 होगा, तो अगर नया वर्ग की बात करूँ जो नया वर्ग मिलेगा उसका जो लंबाई और चौड़ाई मिलेगा वो क्या मिलेगा, लंबाई बराबर चौड़ाई, इसमें हम लोग क्या करेंगे, x/2 और जोड़ देंगे क्योंकि 50% की वृद्धि हो रही है,
तो कितना हो जाएगा, 3x बटे 2 हो जाएगा। अब 3x बटे 2 का हम लोग, ये हमें क्या मिल गया, लंबाई और चौड़ाई, तो हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो 3x बटे 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 बटे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 3x बटे 2 का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, 9 बटे 4 का स्क्वायर। यानी कि हमें यहाँ पर कितना गुना, पहला जो क्षेत्रफल था वो एक्स स्क्वायर था, जो नया क्षेत्रफल क्या है, 9 बटे 4 x स्क्वायर, तो कितना गुना बड़ा है दोस्तों, 9 बटे 4। यानी कि जो ऑप्शन होगा ऑप्शन अ सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमसे, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछा गया दोस्तों, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है दोस्तों, तो हम लोग इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ दिया गया 3/5 और 4/5 के मध्य 7/10 आएगा कि नहीं आएगा, तो यानी कि 3/5 और 4/5 को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 2 का गुणा कर दें अगर 3/5 में ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 6/10। और दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें भी 2 का गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 8/10। तो हमें पता है 6 के बाद 7 आता है, तो 7/10 हो जाएगा। यानी कि ये तो इंक्लूड होगा। अगर इसकी बात करूँ, ऑप्शन बी की बात करूँ, तो ऑप्शन बाकी हो जाएगा, यहाँ पर 30 दिया गया, तो हम लोग 6 का गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 18/30। और ये हो जाएगा 24/6 का गुणा कर रहे हैं, 4×6 24/30 हो जाएगा। और हमें पता 18 के बाद 19 आता, तो ये भी इंक्लूड यानी कि उसके मध्य में आएगा। अगर 2/3 की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखें 3/5 को हम लोग लिख सकते हैं 0.6, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.6। और 4/5 को लिख सकते हैं 0.8। और अगर 2/3 को लिखना चाहूँ तो ये क्या लिख सकता हूँ, 0.666। तो हमें पता 0.6 के बाद ही 0.66 आएगा, यानी कि ये भी इंक्लूड है। अगर बात करूँ 16/30 का, तो 16/30 इंक्लूड नहीं होगा दोस्तों। जैसे हम लोग अगर नीचे वाले को 30 बनाए, हर बराबर करें, तो ये क्या हो जाएगा, 6 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 18/30। और ये क्या हो जाएगा, 24/30 दूसरा। तो इनके मध्य 16/30 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि दोस्त ये 18 से चालू हो रहा, तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, काश a=0 है तो a का मान बताओ। ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो हमें ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर दिया गया है cos a=0, तो 0 हमें पता है किसका मान होता है, काश 90 का मान होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं काश a=cos 90। तो दोनों तरफ काश है और इधर भी काश है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ए का मान क्या आ जाएगा, 90, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, बस सही होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है का बहुलक है सॉरी दोस्तों, इसमें एक आंकड़ा दिया गया है हमें, जो आंकड़ा है उसी आंकड़े से पूछा गया, 5 दिया गया, 7 दिया गया, 9 8 7 9 7 7 7 5 3 5। तो सिंपल सी बात है, जो सबसे ज्यादा दिखेगा वही बहुलक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हम लोग दिखते हैं 1 2 3 4, 4 बार 7 पूछा गया, जो कि सबसे ज्यादा, यानी कि ऑप्शन आ सही होगा, यही बहुलक होगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 14 नंबर जो प्रश्न दिया गया, √b/a (√c/b) (√a/c), तो इसको सिंपल हम लोग लिख सकते हैं, तीनों में अंडर रूट दिया गया, तो तीनों को हम लोग आपस में गुणा कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं BCA। नीचे वाले को लिख सकते हैं ABC, यानी कि ABC और BCA कट के क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन स सही होगा, यानी कि 1। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की
परिधि ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, हमें पता है जो त्रिज्या होता है यानी कि रेडियस जो होता है वो क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा इसका, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया परिधि, तो हमें पता है वृत्त की परिधि क्या होती है। अगर यहाँ पर दिया गया वृत्त की परिधि हमसे पूछा, तो वृत्त की परिधि हमें पता है, वृत्त की परिधि जो होती है 2πr। ठीक, तो r की जगह पे हम लोग लिख देंगे 6 और 2π, तो यानी कि 6 × 12π, तो क्या हो जाएगा 15 का आ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होगा। तो हमें पता है कि अगर समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक आयत बन जाएगा, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, यानी कि कितने, 4 समकोण के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन 10 सही होगा। आगे पूछा गया है परिमेय संख्या -32/100 का सरलतम रूप क्या होगा। 32/100 को हम लोग -32/100 को हम लोग लिख सकते हैं 32/100, इसको 4 से काटते तो ये हो जाएगा 4 × 8 = 32, और ये हो जाएगा 25 × 100, यानी कि 8/25, यानी कि ऑप्शन स सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि 0.00001 का घनमूल। तो घनमूल में दोस्तों हम लोग किसका, 3 का जोड़ा बनाते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया 0.001, अगर इसका 3 बार गुणा करेंगे, यानी कि हमें यहाँ पर देखें दशमलव कितने अंकों के बाद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे 3 बार गुणा करेंगे तो हमें 6 अंक मिल जाएंगे, यानी कि यहाँ साफ साफ पता चल रहा है ऑप्शन आ सही होगा, ऑप्शन बन ऐसा सही होगा, क्योंकि 0.001 करेंगे तो यहाँ पे भी दशमलव, सॉरी यहाँ पे अगर हम लोग 0.001 को 3 बार गुणा करेंगे, 001 × 0.001 × 0.001, यहाँ पर दशमलव हमें क्या करना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और जबकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 6 अंक के बाद दशमलव, यानी कि दशमलव के बाद 6 अंक है, यहाँ पे 9 अंक आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन आ तो गलत होगा। अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4, 4, 8, 4, 12 अंक, यहाँ पर 3 अंक, यानी कि ऑप्शन ब क्या होगा, अपना राइट आंसर होगा, क्योंकि 0.01 × 0.01 × 0.01 करेंगे तो दशमलव के बाद 6 अंक आएगा, यानी कि ऑप्शन ब सही होगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है समीकरण 3x = 6 और 4x + y = 14 है, तो y का मान पूछा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर दिया गया 3x = क्या दिया गया, एक समीकरण 6, और दूसरा दिया गया है 4x + y = 14, तो हमसे पूछा गया है y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करें, तो 3x = 6 है तो x को इधर ही रखेंगे और 3 को उधर ले जाएंगे, तो इधर गुणा है तो उधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा, तो यानी कि ये क्या हो गया, 3 को 6 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ x की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे दोस्तों, 2, यानी कि 4 × 2 + y = 14 हो गया, तो 8, तो y = क्या हो जाएगा, 8 इधर प्लस के साथ है तो उधर हो जाएगा माइनस के साथ, 14 - 8, और 14 में से 8 गए 6, यानी कि यहाँ पर जो y का मान आएगा दोस्तों कितना आएगा, 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करता हूँ मैं, यहाँ पर दिया गया साइन 60 का मान और कास 30 का मान। तो हमें पता जो साइन 60 का मान होता वही कास 30 का मान होता। साइन 60 का मान कितना होता, √3/2, और कास 30 का मान भी क्या हो जाएगा, √3/2। तो आसानी से सॉल्व हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यानी कि क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन कवर कराया, अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस दोगे, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को
क्या करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।